वेलकम टू श्रेयास ब्लॉग जिला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 28 अप्रैल और मैंने कल का व्लॉग नहीं डाला और मैं एक्चुअली जल्दी सो गई थी तो मैंने कल का व्लॉग नहीं डाला। आज मैं सुबह बस ये व्लॉग एडिट करने जा रही थी और फिर मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैंने आज का जो व्लॉग है मैं इसके बाद से कंटिन्यू करूँगी एंड कल का जो है वो मैं बस अभी एडिट करके डालने वाली हूँ। सो मैंने कल मेकअप का ट्यूटोरियल डाला था, क्विक मेकअप का, जो कि मैं करती हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैं जो करती हूँ आई होप कि आपको पसंद आएगा। वो मैंने डाला है और मैंने कुछ हेयर स्टाइल भी डाले हैं, सो आई होप यू विल एंजॉय। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं क्या करने वाली हूँ कि आज आपको मैं बहुत ही क्विक 3 मिनट्स वाला मेकअप दिखाने वाली हूँ और कुछ क्विक 1-2 मिनट्स वाले हेयर स्टाइल्स भी ले आऊँगी जो हल्का फुल्का सा ट्रू ट्विस्ट देगा आपके डेली के हेयर स्टाइल्स को। सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, कहीं भी कोई मेकअप नहीं लगा, लिपस्टिक नहीं लगा, हल्का सा काजल बस लगा हुआ है। सो सबसे पहले मैं अपना फेस मॉइस्चराइज करूँगी। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ सारे का वो नाम लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लिंक तो नहीं क्योंकि मैं कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं सबका नाम बता दूँगी, अगर आपको पसंद आता है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी और ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे जल्दी से मैं प्राइमर लगाऊंगी। बस पूरे फेस पे टैप टैप करके लगा लें। ये आप हाथ से मॉइस्चराइज़र की तरह भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है। प्राइमर पूरा मैं गले तक और अपने पूरे फेस पे कवर करते हुए लगाऊंगी। और उसके बाद मैं एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो कि जिसमें बीबी क्रीम भी है और उसमें फाउंडेशन, मूज़ और सारे चीज़, कंसीलर वगैरह सारे मिक्स्ड हैं। सो ये वाला सबसे बेस्ट मुझे लगता है, कभी भी क्विक मेकअप करना हो, सिर्फ कहीं बाहर जाना हो, मार्केट जाना हो, या ऐसे ही कहीं किसी के घर जाना हो, या कभी फ़ोटो ही खींचने का मन है, या घर में कोई छोटा फेस्टिवल है तो मेकअप करना है, तो उसके लिए ये मुझे बेस्ट लगता है। क्योंकि इसके साथ हमें ना कंसीलर लगाना है, ना मूज़ लगाना है, ना फाउंडेशन लगाना है, ना लूज़ पाउडर भी इसके ऊपर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ये सबसे इजी और क्विक रहता है। तो मैं इसका भी नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, और इसको बस टैप करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना है। ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से पहले उसको हल्का सा गीला करके स्क्वीज़ कर लें, तो वो जब थोड़ा सा हल्का गीला रहता है तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड करता है पूरे फेस पर और एकदम इवन वो बेस देता है। तो ये मेरा प्राइमर और ये फाउंडेशन सही हो गया। अब मैं इसको गले पे भी थोड़ा लगा रही हूँ ताकि पूरा इवन टोन आ जाए। आपका मन हो तो आप लगा सकते हैं, आपका ना मन हो तो आप ना लगाएं। मैं थोड़ा इवन टोन के लिए मैं सोची कि पूरा ही लगा लेती हूँ। उसके बाद ये कलर बार का मेरा काजल है, तो काजल मैं डेली यूज़ में भी लगाती हूँ, तो मैं ये जस्ट काजल लगा रही हूँ। आपको थोड़ा पतला पसंद है या मोटा पसंद है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा थिक पसंद है और जब मैं हेवी मेकअप करती हूँ तो और थिक लगाती हूँ, लेकिन अभी तो मैं ये मीडियम थिक लगाई हूँ। उसके बाद मैं ये मैक कंपनी का मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये आईज़ स्ट्रेच करके अगर आईलाइनर लगे, क्योंकि मेरे आईज़ के जो स्किन आईज़ के ऊपर वाली तो वो काफ़ी वो सिकुड़ी हुई रहती हैं, तो इसलिए मैं आईज़ स्ट्रेच करती हूँ तो बहुत ही इवन और एक स्ट्रोक में लग जाता है ये। और जितना मोटा करना हो आप उस हिसाब से करें। मैं छोटे छोटे स्ट्रोक में लगाती हूँ ताकि एकदम सही लाइन बने, और आपको अगर मोटा करना हो तो आप डबल लाइन कर सकते हैं या सिंगल पे भी सही है। उसके बाद ये मैं जेल काजल ले रही हूँ जिससे मैं अपने ब्रोज फिल करूँगी। मैं आई शेडो से भी कर सकती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास आई शेडो एक्चुअली वो शिमर वाला है तो इसलिए मैं उससे नहीं कर रही हूँ और मैं ये इससे ही कर लेती हूँ, तो इससे भी बहुत ही अच्छा आता है। बहुत हल्का सा लगा लीजिए जेल वाला काजल और उसके बाद उससे आई आपके जो ब्रोज हैं आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका मन है, आप बाहर जा रहे हैं और आपका मन है हाइलाइटर लगाने का, तो ये मेरा हाइलाइटर पैलेट है स्विस ब्यूटी का। सो ये आप ब्रश से ना भी लगाना चाहिए, एकदम सिंपल लुक
के लिए ब्रश से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, बट अगर आपको सिंपल बस क्विक करना है तो आप फिंगर से भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छा इससे भी लुक आता है, ज़्यादा पता नहीं लगता, हाँ प्रोफेशनल लुक नहीं लगता लेकिन इससे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फिंगर से ही। तो मैं फिंगर से ही लगा लेती हूँ अगर मुझे क्विक करना होता है तो, और इसमें मैं एक ही सिंगल कलर लगा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बस हल्का सा हाइलाइटर लगा रही हूँ, मैं अपना आई शेडो का कलर गोल्डन रखी हूँ, थोड़ा न्यूट्रल टाइप ही कलर दे रही हूँ, और हल्का सा मैं अपना वो नोज़ और ये चीक बोन एरिया जो है वो भी हाईलाइट करूँगी, बहुत ही हल्का हल्का सा करना है। और इसमें सारे कलर तो हम लोग रूज हाइलाइटर सारे का काम कर सकते हैं इसी से, तो हल्का हल्का सा बस अपने एरियाज जो हाईलाइट करने के लिए हैं वो अपने एरियाज आप हाईलाइट करिए। उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, बस सिंपल आपको जो लिपस्टिक लगानी हो, मैं मोस्टली मैट लिपस्टिक लगाती हूँ और वो भी लिक्विड वाले ही लगाती हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहते हैं। और उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली और मेरा जो मस्कारा था वो थोड़ा सूख गया था तो मैंने लाइनर से ही हल्का हल्का सा अपने आई लैशेज़ वो कर लिया, और इससे भी काम अच्छा हो जाता है अगर आपके लाइनर एकदम बढ़िया गीला है तो इससे भी हो जाता है। और ये देखिए मेरा मेकअप क्विक कम्प्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ हेयर स्टाइल के लिए, तो अब देखते हैं क्या हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो ये है फर्स्ट हेयर स्टाइल, तो इसमें मैंने साइड पार्टिंग की हुई है, और साइड पार्टिंग आप कर लीजिए एक साइड से और उस साइड से करिएगा जिससे मोस्टली आप साइड पार्टिंग नहीं करते, आप मतलब अपने अपोजिट वाले साइड से साइड पार्टिंग करिएगा तो उससे आपके बाल जो ये स्टाइल है उससे ज़्यादा आपके बाल उठे उठे और फ्लफ़ी टाइप के आएंगे। जिनके थिन हेयर है मैं उन्हीं के लिए हेयर स्टाइल बनाऊँ, क्योंकि जिनके तो थिक हेयर होते हैं तो उनको ज़्यादा स्टाइल की ज़रूरत नहीं होती और उनके वजह से सारे चल जाते हैं, मेरे तो बहुत थिन हेयर है तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह मैंने किया और ये सब ट्विस्ट कर करके जस्ट पीछे कर दिए, और इससे बहुत अच्छे से पिनअप हो जाता है। और गर्मी में मोस्टली हम लोग को पिनअप वाले ही हेयर स्टाइल्स पसंद आते हैं क्योंकि गर्मी रहती है और पूरा हेयर टाई करना ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। सो मैं इस तरह बस अपना पोनी बना रही हूँ, आप बैक पोनी भी रख सकते हैं, और अगर आपको बैक ना पसंद है तो आप साइड इसको हल्का सा लूज़ करके साइड में भी ले आइए और साइड पोनी भी इस पर रख सकते हैं, तो ये दोनों ही इस स्टाइल पर मस्त लगता है। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग मिडल पार्टिंग कर लेंगे, और ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप है, मतलब आप सूट पे भी इसको, पोनी अगर रखते हैं इस स्टाइल में तो सूट पे आप इसको वो कर सकते हैं, और अगर साड़ी पहन रहे हैं तो आप इस पोनी पे ही आप राउंड करके आप अपने हिसाब से जूड़ा बना सकते हैं, आपको जैसा भी जूड़ा पसंद है। मैं तो सिंपल जस्ट पोनी वाले हेयर को ही राउंड कर लूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं, तो मैं जस्ट उसी को राउंड करके और क्लिप कर लेती हूँ। तो बस मैं इतना ही सिंपल वो जस्ट हाई एक पोनी कर ली, और आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं हाई पोनी पे, और ये सूट वगैरह पे या कुर्ती जीन्स वगैरह स्टाइल में काफ़ी मस्त लगता है। और उसके बाद मैं ये आगे के हेयर, या तो आप ब्रेड्स बना लीजिए, फ्लेट्स बना लीजिए, ब्रेडेड हेयर भी अच्छे लगते हैं, या तो आप जस्ट सिंपल दो पार्टीशन करके इसको ट्विस्ट करके और क्लिपिंग कर लीजिए, दोनों ही सही लगता है। और उसके बाद दूसरे साइड से भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, जस्ट मैं इसको राउंड राउंड ट्विस्ट कर रही हूँ दो पार्टीशन करके, और उसके बाद इसको पीछे से ले आए पोनी के नीचे से लेके ऊपर ले आएंगे जो एंड का है, और वहाँ पे क्लिपिंग कर लेंगे। तो ये हो गया साइड का, और आप चाहें तो एक आध ये निकाल सकते हैं लट वगैरह। और उसके बाद अगर आपको साड़ी पे लुक चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आप हाई ये जूड़ा बना सकते हैं, और अगर नहीं हाई जूड़ा बनाया तो आप थोड़ा लो पोनी करके लो जूड़ा बना सकते हैं, या सिर्फ पोनी पे भी छोड़ सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है आप कैसा इसको रखना चाहते हैं। उसके बाद ये थर्ड हेयर स्टाइल है जो कि मतलब उनके लिए है जिनके हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो हम लोग आज कल स्टाइल में हेयर कटवाते हैं वो लेयर लेज़र कट और कौन कौन से तो कट होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मेरे इतने थिन बाल हैं तो सारे कट्स मेरे पे सूट नहीं करते। तो ये एक आप इतना ऐसे हाफ पार्टीशन करके और वहाँ पे गोल गोल घुमा के ट्विस्ट करके जूड़ा बना लें, और इतने पे ही छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें, और ये जीन्स पे तो बहुत ही अच्छा और क्लासी लुक लगता है।
और अगर आपका नहीं मन है पूरा ही हेयर ऊपर टाई करना तो जस्ट पीछे का जो हेयर बचे हुए हैं उसका मिडल से पार्टीशन करें और उसके बाद इसको पीछे ले जाके ट्विस्ट करके घुमा के जस्ट वो कर लें। अपोजिट साइड से करने पे ये होता है कि सारे हेयर पकड़ा जाते हैं और पूरा ही वो हो जाता है पिनअप। तो ये भी कॉलेज लोग या ऑफिस लोग ऐसे के लिए अच्छा रहता है। और वैसे घर में भी ये करने में ये होता है कि जिनके जितने भी कट्स होते हैं बाल में तो ये सारा पता नहीं लगता, सारे बाल उसमें पकड़ा जाते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट हेयर स्टाइल है जो बहुत ही सिंपल है। ये थोड़ा सा थिक हेयर वालों के लिए है, मेरे तो एक्सट्रीम थिन है और ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये साइड में करके और जस्ट जो साइड हेयर है उसमें से थोड़ा सा हेयर निकाल के और ट्विस्ट करके उसी से, रबर बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लिप से भी ये पकड़ा जाता है। और ये ऐसे बस साइड कर लें और जितने भी बाल लूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी कट्स बहुत ज़्यादा हैं तो जो लूज़ आ रहे हैं मैं उसको पिनअप कर दे रही हूँ ताकि ज़्यादा लूज़ ना दिखें और टाइट दिखें। और आगे के तो बाल निकल ही गए हैं तो वो अलग ही स्टाइल में तो वो लटक ही रहे हैं। तो ये अपना नया हेयर स्टाइल तैयार है। इसे जीन्स टॉप या किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो गाइज मैंने एकदम ही सिंपल से हेयर स्टाइल्स दिखाए आपको जो कि मैं खुद भी करती हूँ। मेरा बहुत ही थिन हेयर है सो जो हो पाता है मैंने उस हिसाब से दिखाया है। मैंने एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप भी दिखाया, एक जूड़ा वाला भी दिखाया जिसके मतलब बहुत ज़्यादा लेयर्स में कट होते हैं बाल, ऐसे मतलब प्रॉपर जूड़ा नहीं बन पाते, हमेशा इधर उधर से निकलते रहते, जैसे कि मेरे देखिए यहाँ से निकलेंगे अभी उधर से निकलेंगे, मतलब हर तरफ से निकलते रहते हैं बाल। तो इसलिए मैंने वो तीन स्ट्रिप में जूड़ा बनाया और इस तरह से मैं छोटे मोटे हेयर स्टाइल्स मैं दिखाई आपको। और बाकी मैं ना एक्सपर्ट हूँ हेयर स्टाइल में, ना मेकअप में एक्सपर्ट हूँ, बट मैं जो करती हूँ मैंने आपको दिखाया। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। ये एक बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ, ये जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आगे और भी वीडियोस इस टाइप के ले आऊँगी। मैंने संडे को पिज़्ज़ा बनाया था घर में, तवा पिज़्ज़ा बनाया था सिंपल सा, सो मैं उसका भी क्विक एक वीडियो डाल दूँगी कि मैंने कैसे बनाया था। आई होप आपको पसंद आएगा और टिल देन नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप वेट करिए, और टिल देन बाय बाय। मैं नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग ले आऊँगी आपके लिए। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप और क्या देखना चाहते हैं और किस टाइप के ब्लॉग्स चाहते हैं, मैं ज़रूर ले आऊँगी। पिज़्ज़ा के लिए मैंने ये डो लगाने के लिए आटा लिया हुआ है, आटे में आधा आटा और आधा मैदे से मैं ये पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। सो ये दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी मैंने लिया हुआ है। इसमें फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, एक चम्मच नमक डाला है मैंने, उसके बाद बेकिंग पाउडर डाला है आधा टीस्पून, और उसके बाद मैं 1/3 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी और सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मिक्स करने के बाद मैं दही से इसको सानूंगी, पूरा मैं दही से ही सानूंगी, इसमें पानी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट वाला है। तो इसमें अच्छे से मैं दही डाल रही हूँ और दही से सानती हूँ इसको आटे को, और ये आटा मैंने सान लिया, हल्का सा सॉफ्ट आटा लगाना। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें कि ऑयल से फिर हम लोग कोट करके और इसको 5-10 मिनट के लिए रख लेंगे, जब तक कि हम लोग इसका टॉपिंग्स वगैरह काट लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे। मुझे आटा हल्का सा अपना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था तो मैंने उसमें एक चम्मच मैदा डाल के थोड़ा सा अच्छे से फिर से सान लिया है, और उसके बाद इसका ऑयल भी जो डाले थे ऊपर से वो हो गया है, और मैंने ढक दिया था इसको 10 मिनट के लिए। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा ये स्ट्रेचिंग टाइप का आ गया है और गीला भी थोड़ा लग रहा है, ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा मैदा लगा के बेल के और टॉपिंग लगाई, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, मैंने केचप वगैरह लगा के और सारे टॉपिंग और चीज़ लगा के इसको फ्राई पैन पे रख दिया, और ये सिक रहा है, ढक के रख देंगे 10-12 मिनट में हो जाता है मस्त ये पिज़्ज़ा तैयार। चलिए फिर खाते हैं इस यम्मी पिज़्ज़ा को।